एक चुटकी काले तिल से मिलेगा आपको आपके परिवार में सुख, आपके मैरिज लाइफ में खुशियां, शादीशुदा लाइफ में आनंद और आपकी लव लाइफ में आपकी होगी मनमानी। सामग्री में क्या चाहिए? सामग्री में चाहिए सिर्फ और सिर्फ काले तिल। जानिए पूरा का पूरा विश्लेषण। आप देख रहे हैं लव विद एस्ट्रोलॉजी। नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी, आपका बहुत स्वागत करता हूं लव विद एस्ट्रोलॉजी में। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपके अपने जीवन में प्यार भरा जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में आपको आपसे मिलवाया जाता है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर बार आपको रिश्तों में जिताया जाता है। शादी के पहले, शादी के बाद की हर समस्या का जहां समाधान होता है उसका नाम लव विद एस्ट्रोलॉजी है। लव विद एस्ट्रोलॉजी में हर हाल में आपकी परिस्थितियों को ठीक करना, सुव्यवस्थित करना प्राथमिक वक है। यहाँ रोज बड़ी संख्या में लोग लाभान्वित हो रहे हैं। ये काम पिछले 20-21 सालों से हो रहा है। 20-21 सालों में 21 लाख लोग धन्यवाद कर चुके हैं और यह संख्या, ये व्यवस्था निरंतर जारी है। यहाँ का सक्सेस रेट 95% प्लस है और ये सारी की सारी व्यवस्थाएं कंटिन्यू रखी गई हैं आपके लिए। सुव्यवस्थाओं को मजबूत करने के लिए यहाँ 4,000 लोगों की टीम रिसर्च कर रही है। आपके विजय के लिए, आपके संसाधनों को मजबूत करने के लिए हम निरंतर तपस्या और साधना कर रहे हैं। आज हम कह रहे हैं थोड़े से काले तिलों से आपका अपना काम हो सकता है। प्यार, व्यापार, परिवार सब बचाया जा सकता है। माघ महीने में काले तिलों का एक्चुअली क्या फल है? शरीर में तिल और ये काले तिलों का कोई अपना आपस में संबंध है क्या, और इन संबंधों को ज्योतिष किस प्रकार से देखती है? मंगल और शनि, राहु और केतु जो सबसे बड़े विवादास्पद ग्रह हैं, जिन ग्रहों की वजह से जीवन में हमेशा तकलीफ, मुसीबतें, संकट मिलता है, जिनकी वजह से आपको सदैव समस्या का समाधान ढूंढना पड़ता है, जिसकी वजह से हर बार आपको परेशान होना पड़ता है, क्या वो ग्रह इस चीज से ठीक होते हैं? हमेशा ये कहा जाता है कि शनि के दान के लिए काले तिल करिए, पाप ताप समाप्त करने के लिए काले तिल दान करिए, बच्चे पढ़ नहीं रहे हो काले तिल दान करिए, अगर बच्चे बात नहीं मान रहे हो काले तिल दान करिए। काले तिलों को स्वयं भक्षण कीजिए, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। माघ महीने में ही ये सब कुछ क्यों करना चाहिए? जो महीना चल रहा है ये माघ महीना है। माघ में नहाना, माघ में पुण्य करना, माघ में सत्कर्म करना, हमेशा जीवन में पूरे की पूरे वर्ष भर आपका वो पुण्य चलता है। इस महीने में किए हुए तिलों का दान कुंडली से 7.5 ढैया और शनि का दोष समाप्त ही नहीं करती, केवल आपके पाप तापों को समाप्त ही नहीं करती, आपके जीवन में खुशियों का भरने का साधन है। अगर आपकी लव लाइफ में, पारिवारिक लाइफ में, मैरिटल लाइफ में काला दिन चल रहा है, अगर काली घनी रात दिख रही है आपको, तो काले तिलों का दान करना या आज का जो मैं उपाय आपको बता रहा हूं, ये करने से आपका जीवन तत्काल ठीक हो सकता है। जानिए पूरा विश्लेषण। आपको उपाय बताएं उसके पहले आपके बीच का एक अनुभव ले रहे हैं, वॉइस मैसेज प्लीज। हेलो, हेलो गुरु जी, आपकी कोमल चरणों में कोट कोट प्रणाम। गुरु जी, मैं बहुत परेशान थी, पर जब मैंने आपको यूट्यूब पे देखा तो मैं कुछ समझ नहीं, पर आपको यूट्यूब पे देखते ही मेरी आंखों से आंसू आने लगे। इसके बाद मैंने आपको कॉल किया, मैं आपका मैसेज देखती रही गुरु जी, और आप ही मेरे लिए भगवान हो, मेरे पिता हो, मेरे माँ हो। गुरु जी, आपने कहा रोने से खराब जाता है, पर मैं रो नहीं रही, मेरी खुशी की आंसू है गुरु जी। बहुत 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 कोटि कोटि प्रणाम गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, थैंक यू गुरु जी, अपना आशीर्वाद
हमारे ऊपर बनाए रखी, बस यही मैं चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ मैं आपका दर्शन करूँ, किसी भी तरह मैं आपका दर्शन करना चाहती हूँ। बस गुरु जी आशीर्वाद बनाए, बस यही चाहती हूँ मैं। थैंक यू गुरु जी, थैंक यू। धन्यवाद, बहुत आशीर्वाद, बहुत खुश रहिए, प्रसन्न रहिए, हर तरह से आप सफल हो, ऐसी शुभकामना करता हूँ। बहुत अच्छे रहिए। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुराज जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा, दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। स्थान श्री साई सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ड अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। संपर्क करें 8917020202, 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। अब बात कर रहा हूँ उपायों की। आज मैं कह रहा हूँ कि काले तिलों का दान करना, काले तिलों का सेवन करना, और खास तौर से माघ महीने में बहुत सारी चीजों में बेनिफिट देता है, पर ये प्यार को, रिश्ते को, संबंध को कैसे मधुर बनाता है वो आज बता रहा हूँ। आपको करना क्या है, आपको थोड़ा सा देसी घी लेना है। देसी घी में शहद और काले तिल आपस में ऐसा घोल बना लीजिए किसी बर्तन में, और बहुत ध्यान समझिएगा, ये दुनिया का सबसे महत्वपूर्ण उपाय आपको बता रहा हूँ। अपने ऊपर से 5 से 7 बार उतारिए और 3 बार उल्टा उतार लीजिए, चाहे 5 बार सीधा उतारें, चाहे 7 बार उल्टा, 3 बार ही उतारना है। और बाहर जाकर किसी भी वृक्ष के पास रख करके इसमें खूब सारा कपूर रख करके जला दीजिए। जलाते समय बोलिएगा ओम हुम स्वाहा, हुम थोड़ा तेज बोलिएगा, स्वाहा बोलकर अपनी मनोकामना, अपनी इच्छा, अपना मनोरथ रखिएगा कि मैं प्यार पाना चाहती हूँ, या पति पाना चाहती हूँ, या अपना प्रेमी पाना चाहती हूँ, या अपना जीवन ठीक करना चाहती हूँ, या मैं अपनी प्रेमिका चाहता हूँ, पत्नी चाहता हूँ, लाइफ ठीक करना चाहता हूँ, व्यापार चाहता हूँ, परिवार को अच्छा करना चाहता हूँ, जैसी तुम्हारी अभिलाषा मनशा है उसको उसके सामने हाथ जोड़कर बोलिए और वापस चले आइए। जितना हो सके प्रयत्न कीजिए माघ के महीने में तिल का उसके बाद भी दान कंटिन्यू रखिएगा। ये उपाय अपने आप में बहुत सार्थक है और तत्काल बेनिफिट देता है। आपने आग को उस दोष से निवृत्त करते हुए तिलों का दान दिया है। सांडिल्य गोत्र की अग्नि जीवन में खुशियां प्रदान करने के लिए आती है, आपने उसी का आवाहन कर उसे दान किया है, आपको उस खुशियां मिलेंगी ही मिलेंगी, संभावना इसकी 100% है, कोई रोक नहीं सकता। तो खुश होइए, मुस्कुराइए, सुंदर बनिए, हर आधे घंटे में प्रणाम करके पानी पीजिए और अपना बहुत ख्याल रखने की कोशिश कीजिए। मैं हूं तुम्हारे साथ, रोना मत, परेशान मत होना, उल्टा सीधा बिल्कुल मत सोचना, हर हाल में खुद पर ध्यान रखने की कोशिश करो। तुम्हें तो सिर्फ अपना ध्यान रखना है, मैं तुम्हारा भी रख रहा हूँ, तुम्हारा, तुम्हारे प्यार का, व्यापार का, संसार का, घर का, सब का ध्यान रख रहा हूँ। ओम नमः शिवाय। त्रिकालदर्शी दिव्य ज्ञानी शिव भक्त सद्गुरुराज जी महाराज के मुखार बिंदु से सुनिए पुण्यार्जन शिव महापुराण कथा, दिनांक 4 से 8 जनवरी, समय दोपहर 12 से 4 बजे तक। स्थान श्री साई सभागृह, राष्ट्रभाषा संकुल, उत्तर अंबाजरी मार्ग, वॉकहार्ड अस्पताल के पीछे, शंकर नगर चौक, नागपुर। प्रवेश बिल्कुल निशुल्क। संपर्क करें 8917020202, 6391292929। इस कथा को सुनने मात्र से जीवन के संपूर्ण दुख समाप्त होते हैं, साथ ही मन चाहा फल मिलता है। श्री सद्गुरु नाथ जी महाराज के प्रकल्पों में सबसे महत्वपूर्ण है आध्यात्मिक शिव नगरी की स्थापना एवं बाबा शिव की महिमा कथा एवं गौ सेवा, वृद्धा आश्रम, शिशु बाल विकास, अन्न क्षेत्र, भोजन वितरण, गरीब कन्याओं का विवाह, निर्धनों को रोजगार की व्यवस्था के साथ साथ
हॉस्पिटल, योग्य क्षेत्र, आयुर्वेद धाम, ध्यान भवन, सत्संग भवन, सेवा धाम, विश्रामालय, वेद विद्यालय एवं संग्रहालय, अनुसंधान भवन, रिसर्च सेंटर, ग्रंथालय और 27 नक्षत्रों के वृक्ष, भव्य प्रेमेश्वर महादेव की प्रतिमा, शिव परिवार मंदिर का भी निर्माण किया गया है। आपका संस्थान पूर्ण प्राकृतिक वातावरण, हरियाली और शांत प्रदायक क्षेत्र में स्थित है। यहाँ हजारों लोगों को भगवान शिव की भक्ति से जोड़ने के साथ साथ सतमार्ग पर चलना भी सिखाया जाता है। यहाँ वेद, वेदांग, पुराण, शास्त्र, ज्योतिष, आयुर्वेद इत्यादि पर रिसर्च के साथ साथ शिक्षा का भी प्रबंध है। यहाँ रहने का अनुभव वैसा ही है जैसे शिव भक्त रहना चाहते हैं। आप इन प्रकल्पों से जुड़ने के लिए दान के लिए संपर्क करें 9963660125। अधिक जानकारी के लिए 8447832114।